प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड जीसस। महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी आज के शाम के लिए, आज के सुंदर संध्या काल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आज के दिन जो आशीष से आप हमें दिए हैं, आज के दिन जो काम हमारे जीवन में आप किए हैं, जो चमत्कार हमारे निकट रह करके किए हैं, हमारे द्वारा किए हैं, जो उपकार हमारे ऊपर किए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अनुग्रह कीजिए, आज के रात्रि में भी हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए कि आज के पूरे रात्रि हम सब और हमारा परिवार अपने अपने बिछौने में निश्चित पूरे रात सोने पाए। सहायता कीजिए प्रभु, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफें ना हो, रोग बीमारी उत्पन्न ना हो, तंत्र मन की शक्तियाँ साधु टोना बुरी नजरे शैतान अटैक ना करे, सफल ना हो, दुष्ट करुण मनुष्य न सताए। प्रभु अनुग्रह करना, अच्छी मीठी नींद देना, सुख शांति चैन की नींद देना, अनुग्रह कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्रियो, अगर आपका शत्रु आपका विरोधी आपको सताते हैं, आपको तंग करते हैं, तपाह करते हैं, आपके ऊपर अंधेर करते हैं, किसी प्रकार का दबाव डालते हैं, आपसे लड़ते हैं झगड़ते हैं, आपको फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, आपको गिरने के लिए आपके पैरों के आगे गड्ढा खोदते हैं, आपके विरोध में प्लान योजना बनाते हैं, युक्तियां निकालते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रभु उन सबों से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, उन सबों से आपको छुटकारा देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप पे प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं और उसका पालन करते हैं, प्रभु के सब आज्ञा को मानते हैं। जितने आप पर चढ़ाई करेंगे वो सब आपसे हार जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है जब आप पे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के उसका 7 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। क्या लिखा है? वे तुझसे हार जाएंगे। क्यों हारेंगे? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 पद के वचन को पढ़ेंगे तो वो कहता है क्योंकि तू प्रभु के सब आज्ञा को मानता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई प्रभु के सब आज्ञा को नहीं मानता फिर तो शैतान हो या दुष्ट करुण मनुष्य उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे और जीते जाएंगे, लेकिन जो कोई प्रभु के सब आज्ञा को मानता है कितनों भी शैतान या दुष्ट करुण मनुष्य चढ़ाई करे पर हार जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और शैतान और दुष्ट करुण मनुष्य क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे आपसे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, अगर आप पे प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं, उसका पालन करते हैं, तो फिर आप पे निडर रहिए, शैतान या दुष्ट करुण मनुष्य कभी आपसे जीत नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर नहीं मानते हैं, प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में नहीं रखते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, तब तो फिर आप डरिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मतलब प्रभु के सब आज्ञा को मानिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। नहीं तो
शैतान चढ़ाई करेगा दुष्ट करुण मनुष्य से, आपका दुश्मन, आपका विरोधी, आपका शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, जीते जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आप पे, शैतान के ऊपर, दुष्ट करुण मनुष्यों के ऊपर आनंद करना चाहते हैं, दोनों से जीतना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, दोनों को हराना चाहते हैं। प्रभु क्या क्या को मानिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबों को प्रभु जी बलवंत बनाइए, शक्तिशाली बनाइए प्रभु, सामर्थी बनाइए, ताकि सबके सब प्रभु जी शैतान और दुष्ट गुरुन मनुष्यों के ऊपर आनंद करें, शैतान से जीते, दुष्ट गुरुन मनुष्यों से जीते, उन दोनों को हराए प्रभु। सहायता कर, मदद कर लो जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, प्रशंसा हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए राजा, धन्यवाद करते हैं, मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर प्रभु, हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्यों का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। हम आपकी सहायता से, आपकी अनुग्रह से वीरता दिखाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा मानते हैं कि मनुष्यों का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है? प्रभु की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, ऐसा मानते हैं? तो प्रभु की सुनिए और प्रभु की मानिए, प्रभु अनुग्रह करेगा आपको, वो सामर्थ्य ताकत बल देगा, आपकी सहायता करेगा कि आप पे मनुष्यों के ऊपर आनंद करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उन मनुष्यों के ऊपर जो दुष्ट है, क्रूर है, और शैतान के ऊपर भी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। सहायता कीजिए प्रभु से, मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कृपा प्रभु, दया कर दे, करुणा कर दे प्रभु परमेश्वर। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं खुदा जी। सहायता कीजिए, हे अनुग्रहकारी दयालु, कृपयालु प्रभु, सहायता, मदद, गाइड कर दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु, इस प्रार्थना को जितने सुन रहे हैं, वो सब के सब जैसे भी हैं, आपके हैं, आप उन सबों को अपने सीने से लगा करके रखिए, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर करके रखिए, अपने बेशकीमती लहू से कवर करके रखिए, अपने पनाह में रखिए, अपने छत्र छाया में पालिए और बढ़ाइए, ताकि शैतान हो या दुष्ट करुण मनुष्य कभी उन सबों के ऊपर आनंद कर ले ना पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उन सबों से जीतने ना पाए, उन सबों को किसी प्रकार का चोट पहुंचाने ना पाए। सहायता कर खुदा, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, कृपा कर खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो खुदा जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सहायता कर प्रभु, जिनका भरोसा आप पर है, आप उनके भरोसा को बनाए रखिए, जिनकी आशा आपसे है, उनकी आशा को पूरा कीजिए, जो कोई आप में विश्वास के साथ बना है, उनके जीवन में काम कीजिए। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, बीमारों को छूले और चंगाई दे, शैतान से ग्रसित है अपनी आत्मा उनके अंदर उढ़ेल दे और शैतान से छुटकारा दे दे।
कर्जों में अपना उत्तम भंडार खोल, स्वर्ग के झरोखे आकाश के झरोखे उन लोगों के लिए खोल, ताकि वो लोग कर्ज में से बाहर आ जाए। किसी से उधार लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, अपना घर जमीन या जेवर जो कुछ भी किसी के पास गिरवी रखे हैं, प्रभु जी छुड़ा लीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, सब अपने लोन को अपने महाजन को बहुत आसानी से और बहुत जल्द भर सके, चुका सके, ऐसा अनुग्रह सबों के ऊपर कीजिए, ऐसा आशीष सबों के जो में बिजनेस में व्यापार में खेती बाड़ी में जो कुछ का कारोबार है उसमें दीजिए, सहायता कर खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, शैतान के बंधन से छुटकारा दे, केश मुकदमा बंद गृह से प्रभु छुटकारा दे, कर्जों से प्रभु श्रापों से छुटकारा दे, शरीर और संसार की अभिलाषा से नशे की लत से प्रभु बुरी आदतों से प्रभु छुटकारा दे, धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए, घर के कलेश को खत्म कर दीजिए, बिखरे हुए परिवारों को समेट प्रभु, जो अपने घर से निकले हैं पर अभी तक लौटे नहीं हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं प्रभु जी, सेफ और सुरक्षित घर को ला, अनुग्रह का स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु, हमें और हमारे परिवारों को संभालने वाला केवल तू है, हाँ केवल तू है, संभाल प्रभु अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को आपके हाथों में देते हैं, ताकि प्रभु आपके निकट शुरू से अंत तक बने रहे और उस मुकुट को पाए जो कि आप पे हमारे लिए रखे हैं, स्वर्ग में रखे हैं, सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आज के सुबह की प्रार्थना में प्रभु प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाए थे, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, अगर हम प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे तो प्रभु हमें जीवन का मुकुट पहनाएगा, जीवन का मुकुट देगा, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, मेरे प्रिय हो, शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहेंगे, आपका उद्धार होगा, आप प्रभु के राज के अधिकारी होकर प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, प्रभु आपको हमेशा का जीवन देगा, हमेशा का जीवन जीने के लिए आपको मुकुट पहनाएगा, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, लिखा है, कहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:10 में लिखा है, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, आज के सुबह की प्रार्थना में हम इस वचन को बोले थे, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, प्रभु में बने रहिए, हमेशा का जीवन देगा, प्रभु में बने रहिए, सारे कठिनाइयों से पार हो जाएंगे, प्रभु में बने रहिए, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु से लिपटे रहिए, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा जी, तारीफ करते हैं, सहायता कीजिए, पूरे दिन संभाले हैं प्रभु जी, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद प्रभु सबों को दीजिए, कोई डिप्रेशन में से उनको बाहर निकालिए, कोई चिंतित है उनके चिंता को दूर कीजिए, कोई किसी प्रकार के बोझ से दबे हुए उनके बोझ को अपने ऊपर उठा लीजिए और उन्हें विश्राम दीजिए, क्योंकि आप बोले हैं हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आप पे खुद बोले हैं प्रभु यीशु मसीह, तो अनुग्रह हाँ अनुग्रह कीजिए, जो बहुत सारे बोझों से दबे हुए हैं कर्ज हाँ प्रभु जी, बीमारी अनेक प्रकार के बोझों से दबे हुए हैं, उन सबों के बोझों को अपने ऊपर ले लीजिए, बोझों से उन सबों को छुटकारा दीजिए, धन्यवाद हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए, रुके हुए कामों को कार्यों को सफल कीजिए, बंद द्वार मार्ग को खोलिए, टूटी हुई रिश्ता उम्मीदों को फिर से जोड़ दीजिए, हड्डियों को जोड़ दीजिए, नस मांस हड्डी को चंगाई दीजिए, शरीर प्राण आत्मा को चंगाई दीजिए, सेफ और सुरक्षित सबों को रखिए, धन्यवाद कि आप सुने प्रभु जी, पैसा की ज़रूरत है जिनको ज़रूरत है दीजिए, जो घर बनाना चाहते हैं गाइड कीजिए प्रभु, जो कोई जो कुछ के लिए अप्लाई किए हैं वीज़ा के लिए या जो कुछ के लिए आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, धन्यवाद खुदा आप हमारी सुने, लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, संभालिए प्रभु पूरे रात, अच्छी मीठी नींद दीजिए, अनुग्रह कीजिए, बड़े बड़े काम बड़े बड़े चमत्कार सबों के जीवन में कीजिए, सबों के निकट रह करके
प्रभु सबों के द्वारा दूसरों के जीवन में भी कीजिए, सहायता कीजिए। मेरे प्रिय विश्वास के साथ जिस किसी के लिए आप दुआ करेंगे उनके जीवन में आप प्रभु के काम को, प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, सब कुछ। अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर अटल बनाइए, फिर देखिए प्रभु के काम को, प्रभु के अनुग्रह को, महिमा को, आशीष को। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु अनुग्रह कीजिए, स्वर्गीय पिता सहायता कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना को शेयर भी करना, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। अगर आपके द्वारा कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, अपने अंदर चेंज को, बदलाव को लाता है और उद्धार पाता है, उसका प्रतिफल आपको क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु हमें इसीलिए तो चुना है कि हम बहुत सारा फल लाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सी आत्माओं को हमें जीतना है, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, शेयर भी करना। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से या फेसबुक पेज पर आप हमें दे सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।